हेलो दोस्तों, स्वागत है भगत कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप IBPS क्लर्क का फॉर्म भर रहे होंगे ना दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हो रहे हैं। और दोस्तों, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के साथ साथ आपको जो है लाइव फोटो भी यहाँ पे कैप्चर करने हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ना दोस्तों कि अगर आपके कंप्यूटर में वेबकैम नहीं है तो आप किस प्रकार से जो है अपना मोबाइल का यूज़ करके, जी हाँ दोस्तों, आप जो है अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके आप जो है लाइव फोटो किस प्रकार कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है जो फोटो एंड सिग्नेचर है उसको अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो फोटो का साइज मांगा गया है ना, वो 20 KB से लेके 50 KB मांगे गए हैं, और सिग्नेचर का जो साइज मांगे गए हैं 10 KB से लेके 20 KB मांगे गए हैं। तो आप दोस्तों फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन है, मतलब ये जो लाइव कैप्चर का ऑप्शन है ना, तो आपको क्या करना होगा, ये जो क्लिक हियर टू स्कैन है आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो आपको जो है एक यहाँ पे बार कोड दिखेंगे। अभी दोस्तों जो भी करना होगा ना, वो अभी आप अपने मोबाइल पे करेंगे। तो चलिए मैं आपको जो है मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना प्ले स्टोर पे आने होंगे। प्ले स्टोर में सर्च करने होंगे QR कोड स्कैनर। तो आपको दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेंगे, बट आप कोई सा भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जितने भी अलाउ मांगे जाएंगे ना, वो अलाउ आप दे देंगे। इसके बाद इस प्रकार का QR कोड स्कैनर, आप जो है अपने QR कोड को स्कैन करेंगे जो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको जो है एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे भेजा जाएगा, और उसमें दोस्तों आपको लाइव कैप्चर करने का जो है न्यू ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे कैप्चर फोटो के एक ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो आगे का कैमरा है या फिर पीछे का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो आप जिस भी कैमरा से चाहें उस फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग कैप्चर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग कुछ देर वेट कीजिएगा, तो आपको जो है एक राइट चिन्ह का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो राइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाएंगे कि फोटो अपलोड सक्सेसफुली, इट्स ऑटोमेटिकली अपडेट इन एप्लीकेशन विद इन 10 सेकेंड। तो ओके पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो सिस्टम में है ना दोस्तों, वो फोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी सिस्टम पर आपको दिखा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरा जो फोटो यहाँ पे मैंने यहाँ पे खींचा था वो आ चुका है। ठीक है, तो आप दोस्तों अच्छे से खींचिएगा, मतलब अच्छे से कैप्चर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप जो है नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर जो मतलब क्लिक करके आगे का प्रोसेस कीजिएगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को यही बताया हूँ कि आप जो है किस प्रकार से फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, और दोस्तों ये जो लाइव फोटो मांग गया है किस प्रकार आप लोग जो है फोटो मतलब मोबाइल के माध्यम से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।